सो हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SMP पियानो लवर में। सो गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ, कोई भी गाने बॉलीवुड के हो या अपना हिंदी सॉन्ग, कोई भी गाने का लेंथ कैसे पता करें, मतलब गाने का जो पार्ट है, ठीक है, मेरे बोलने का मतलब समझिए, गाने का बोल है, कौन कौन से इसमें सुर लग रहे हैं वो कैसे पता करेंगे, तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा मैं। वीडियो भले ही थोड़ा सा क्या है, शॉर्टकट नहीं तो है, ये बहुत बड़ा होगा, लेकिन आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी ये चीज़ आप समझ पाओगे। तो गाइस देखिए, मैं आप लोगों को भली भांति हर बार की तरह आज भी बोलना चाहूँगा कि मैं जब स्टार्ट करता हूँ पियानो, तो सबसे पहले एक सरगम बजाता हूँ। आप लोगों को भली भांति पता होगा, मैं काले तीन से बताने वाला हूँ ये चीज, और ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, मैं काले तीन यानी कि F-sharp से आपको बता रहा हूँ। तो आइए हम लोग सरगम बजा लेते हैं काले तीन से। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉन्ग लूँगा माँ तुझे सलाम का, एक सॉन्ग है पॉपुलर सॉन्ग, छोड़ के ना जाओ पिया। ठीक है, मैं आपको तीन ऐसे गाने बताऊँगा जिससे आपको पूरा नॉलेज हो जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसका कौन सा स्वर लगेगा, इस गाने में कौन सा स्वर लगेगा और कैसे लगेगा, हम उसको कैसे फाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं गाने का बोल। तो आइए सबसे पहले म्यूजिक पार्ट आता है, ना जा ना, देखिए यहाँ पे स्पष्ट है, ना ना जा, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ना जा, गाने को आप एक से दो बार तीन बार सुनिए, सुनने के बाद, ठीक है, सुनने के बाद आपको डायरेक्ट हारमोनियम पे बैठ जाना है और जहाँ से आपको सा मान रहे हो इस वाले सा को, तो इसका लास्ट पार्ट सा होगा ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सा और ये हो गया हमारा सा, दोनों बराबर हो गया, कॉमन हो गया। अब आप गाना कैसे निकालोगे, ठीक है, मेथड बता रहा हूँ, ठीक है, ना जा, देखिए आपको इधर उधर नहीं ढूंढना है ना, ऐसे गलत नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ की दूरी पहले याद करना है, कैसे याद करना है, आपके माइंड में कैसे बैठाना है, देखिए प्यारे साथियों, तो ये हो गया हमारा नी, उसके बाद आता है हमारा ध, ठीक है प्यारे साथियों, तो यहां से यहां की दूरी आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको दूरी जब ज्ञात हो जाएगा तो सॉन्ग का लेंथ कहां पास है वो आपको चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे ना जा साधा प, ठीक है, देखिए ये एकदम धमाकेदार वाली बात है, ठीक है, आपको कोई नहीं बताता है, ना ही कोई बताया है ऐसा चीज, ठीक है दोस्तों, ये वाला हमारा सा हो गया और ये हो गया हमारा पा और ये हो गया हमारा धा। ठीक है साथियों, तो ये हमारा हमने दूरी ज्ञात किए थे अभी जस्ट, ठीक है, सा
साथ है तो ये एक होगा कॉमन अपना, ये वाला सा और ये वाला सा। उसके बाद आता है हमारा नी, ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ध, के बाद हो गया हमारा, ठीक है। तो इसमें दोनी दो दो है, जो दूरी है वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे देखते देखे ठीक है, तो कुछ इस प्रकार गाने की भी बोल आती है। ठीक है साथियों, तो ये हो गया हमारा एक प्रकार की एक पार्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट म्यूजिक, ना जा ठीक है। तो ये कैसे हो गया देखिए, समझिए मेरी बात को, ठीक है। ये नेक्स्ट पार्ट है, उसके बाद नेक्स्ट म्यूजिक भी आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसी मेथड से ही, आपको ये म्यूजिक है वो आपको आसानी से निकालना आ जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। तो आपको करना यही है, आपको डायरेक्ट ये सा है और ये हमारा हो गया पा और ये हो गया हमारा धा, ठीक है। तो ये ध से आपको डायरेक्ट इतनी दूरी आपको ज्ञात कैसे करना है वो चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आप अगर समझ नहीं आया हो, वीडियो स्किप किए हो, तो पहले से देखिए तब आपको समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट म्यूजिक का जो पार्ट आता है वो देखते हैं, ठीक है। प्यारे साथियों, तो ये क्या है, एक आरोह, आरोह अवरोह, ठीक है। आरोह जब म्यूजिक बजता है, ठीक है, ये आप इसको निश्चित समझ जाइए कि जब ये आरोह, ठीक है, म्यूजिक कहाँ से हाई से लो की ओर जाता है, कि जो कम है जो हाई की ओर जा रहा है, ठीक है। इसमें तीन सप्तक होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक और तार सप्तक, ठीक है दोस्तों। तो ये जो गाने का जो म्यूजिक है अभी जो बजाया मैंने, ठीक है, ये देखिए ये अपना मंद्र सप्तक से तार सप्तक की ओर जा रहा है, तो आसानी से आप ये चीज़ समझ सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है सीधा गाने की बोल, छोड़ के न जाओ पिया, तो ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये होगा हमारा, ठीक है साथियों, तो ये हो गया हमारा जो म्यूजिक बजा, तो ये वाला है। तो ये हमने कैसे फाइंड किया वो अब बताते हैं आपको। तो गुनगुनाना आपको आ गया, ठीक है, गुनगुनाना आप पहले सीख गए। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था, ठीक है साथियों। तो ये हमने कैसे तर्क लगाया, ये हमारा हो गया सा, ठीक है, इसमें तीव्रमा भी लगा है, ठीक है साथियों, ठीक है। तो ये जो लास्ट में हम लेते हैं एक साथ, वो अपना सब बजाने का एक अलग अलग तरीका होता है, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये हो गया हमारा पार्ट, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको इसी प्रकार से फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको दूरी ज्ञात करना है,
दूरी ज्ञात करने के साथ साथ आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर स है और कहाँ पर ध है, कहाँ पर तीव्र म है तो कहाँ पर शुद्ध म है। तो अगर उस चीज़ का ज्ञात हो जाता है आपको तो आप आसानी से गाना, कोई भी गाना जहाँ से म्यूज़िक निकल रहे हो आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो इसका हम पहला पार्ट समझ गए। दूसरा पार्ट आता है गाने का, कुछ मैं दूसरा वाला लूँगा गाने का, ठीक है। तो दूसरा गाना है, एक बॉलीवुड का सॉन्ग है, तेरे प्यार में मैं मर जावा, मुझे ना भुलाना साजन मुझे ना भुलाना। ठीक है साथियों, ये बॉलीवुड सॉन्ग है, बहुत ही पॉपुलर हिट हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका म्यूजिक पार्ट कैसे आता है, आ ला 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 आ, में आपको एक तर्क लगा लेना है कि कौन सा यहाँ पे, ठीक है। मंद्र, अपना मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, तार सप्तक, तीनों सप्तक का आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। कहाँ पास जो म्यूजिक को आपको पहले सुनना है, ठीक है साथियों, म्यूजिक को पहले सुनना है, उसके बाद इसमें कौन सा है मध्य सप्तक, कौन सा लग रहा है इसमें सप्तक लगेगा ना भाई। गाना अगर पहले से थोड़ा सा एकदम हल्का है, नीचे नीचे का मतलब थोड़ा सा आवाज धीमा है, तो इस साइड बचेगा ना भाई। इधर तो आप तार सप्तक से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर दोगे ना, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो हम माने थे सा, ये वाला शुद्ध सा, ठीक है। तो यहाँ से म्यूजिक का पार्ट, देखिए हमने कैसे निकाल लिया, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार फॉलो करो ना भाई, आपको ऐसी ही याद करो, ठीक है। इसमें क्या है, म्यूजिक आपको ज्ञात करा रहा है कि इसका जो सेकंड है जस्ट, अगर कंप्लीट अगर सुन लेते हो सॉन्ग को तो आपको आसानी से ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो आपको सबसे पहले यही चीज़ करना है, ठीक है। अगर गाने का बोल मध्य है तो आपको यहाँ से स से ले लेना, कैसे लेना है वो चीज़ बता रहा हूँ। इस साइड का जो है हमारा पा है, ठीक है, ये हमारा होगा कोमल नी, ये होगी हमारा कोमल धा, और ये होगा हमारा शुद्ध पा, ठीक है। सो साथियों, क्योंकि यहाँ पास भी सेम है, वही दो बटन, वही भी दो बटन, और यहाँ पे कॉमन लगते हैं, दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है। इसमें दो, इसमें भी दो, ठीक है प्यारे साथियों। तो आइए देखते हैं, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उस पे गाने का डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, ठीक है। तो एंट्री कैसे होती है, ला 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 ना 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 ना। देखिए हमें ज्ञात है, हमें दूरी तो याद है कि ये वाला यहाँ है, गाने का बोल डायरेक्ट इधर इशारा कर रहे है, न 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 न, मतलब थोड़ा सा नीचे है ना, नीचे है ये जो फर्स्ट म्यूजिक है, न न वो डायरेक्ट तार पे है ना, समझने की कोशिश करिए, डायरेक्ट तार सप्तक है ना भाई, न 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 न, ऐसे डायरेक्ट हम नहीं गुनगुना सकते, ठीक है। आपको जो चीज़ मैं समझाने वाला हूँ वो आपको गा के समझा रहा हूँ या गुनगुना के समझा रहा हूँ, ठीक है साथियों, समझने की कोशिश करें, न न न न न न न न, ठीक है दोस्तों। देखिए हमें कैसे आ गया ये म्यूज़िक पार्ट, तो हमें दूरी पहले, हमने पहले बताया दूरी आपको याद कर लेना है, याद ने 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 ने।
देखिए गाने का हरकत, देखिए गाने में हरकत क्या हो रहा है, न रे न ने न ने न रे न न, गाना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेकिन और उस साइड का जो सुर है वो नहीं लगेगा, क्योंकि गाने का जो स्टार्ट है वो तार से डायरेक्ट मंद्र तक आ रहा है ना भाई, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जा रहे। देखिए देखिए समझ आया प्यार साथियों, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। देखिए न न रे न, मुझे ना भूलाना साजन, ठीक है, ठीक है साथियों। तो ये देखिए ऐसा आपको मेथड लगाना है, ये चीज आप सारे गामा करना छोड़ो, रटना बंद कर दो आज से, सारे गा ये सब चीज करना छोड़ दो, आप डायरेक्ट दूरी याद करो। दूरी मतलब यहाँ से यहाँ कौन सा सुर है, यहाँ से ये कौन सा स्वर लग रहा है, इसका धुन कौन सा निकल रहा है, इसमें ध्वनि कौन सा निकल रहा है, ये चीज आपको अगर आ गया तो आप कोई भी गाना बिना सारा गामा किए सब चीज आप फराटेदार बजा लोगे। मेथड तो वही बता रहे हैं हम, लेकिन इस चीज को आप फॉलो कीजिए, ठीक है साथियों। तो ये देखिए ठीक, उसके बाद नेक्स्ट म्यूजिक पार्ट का पार्ट क्या आता है, देखिए यहाँ पे कौन सा हरकत क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हमने आसानी से इस गाने को फाइंड कर लिया है कि यहाँ से यहाँ लगेगा, यहाँ से यहाँ लगेगा, क्या है आपको दूरी याद है, मतलब कोई भी सॉन्ग आपको इजीली से आसानी से इस मेथड से आप बजा पाओगे, ठीक है साथियों। उसके बाद देखते हैं हमारा लास्ट और आखिरी तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा है वो चीज़ हम आपको बताते हैं, और ये लास्ट आखिरी और एकदम बेहतरीन है, ठीक है, आप इसको एकदम ध्यान से समझिए, तीसरा पॉइंट है लास्ट और आखिरी, ठीक है दोस्तों। तो आइए लास्ट हम जो सॉन्ग लेंगे वो है प्रेम रतन धन पायो का, ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, सभी को पता होगा, ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिनल स्केल था जिसमें गाया हुआ है सिंगर, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, दुख इसका जो स्टार्ट होता है सब लोग सुन चुके होंगे, बताने की आवश्यकता तो नहीं है, बस इसका पार्ट हम धुन से बताते हैं, ठीक है, ठीक है, ला ला कौन सा आएगा, ठीक है, तो देखिए ये हमारा ये कौन सा है, तो देखिए हमने गुनगुनाए, गुनगुनाने के साथ साथ हम गाने यहाँ पे निकाल चुके, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस चीज़ का हमेशा याद रखना है और ऐसी आपको इसी ट्रिक से आपको निकालना है, ठीक है, इसका गाने का लेंथ आप पहले समझिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक आपका काम आएगा, ठीक है, गाने का लेंथ समझिए, ना 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 ना, डायरेक्ट स से स्टार्ट हो रहा है ना गाना, सॉरी स से नहीं, ये कोमल नी से स्टार्ट हुआ है धुन, ठीक है, साथियों। ये हमें पूरा जो हमारा एक म्यूजिक पार्ट है भली भांति वो हमें ये
खुद बताता है कि कहाँ से कहाँ सुर लगेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, हमेशा आपको अपना सा और लास्ट सा, इसमें का जो दूरी, ये दूरी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। दूरी का मतलब वो मैं क्या बोल रहा हूँ पता है, ये भी दूरी आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पास रे है, कहाँ पे ग है, कहाँ पे ध है। अगर आपको इस चीज़ का ज्ञात हो गया तो बताओ भला आपको सारे काम करने की आवश्यकता है, नहीं है प्यारे साथियों। तो आपको ये चीज़ मैं बताया हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आप ज़रूर फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद आप मुझे ज़रूर एक मैसेज करिए आपको समझ आया कि नहीं आया, और अगर समझ ना आया हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट करिए, आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हुई होगी आप लोगों के लिए, अगर पसंद है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमारा मेहनत होता है। आशा करते सब लोग बढ़िया होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।